हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इलेक्ट्रिक मोटर ओवरहीटिंग एंड सॉल्यूशन। पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर ओवरहीटिंग क्यों होती है और फिर हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट है ओवरलोड। अगर हमारी मोटर ओवरलोड पे चल रही है तो हमारी मोटर ओवरहीटिंग होगी। अगर हमारी मोटर फुल लोड करंट से ज़्यादा करंट लेगी तब भी हमारी मोटर ओवरहीटिंग होगी। हमारी मोटर की नेम प्लेट में लिखा होगा कि हमारी फुल लोड करंट कितना है। जैसे इधर लिखा है कि फुल लोड करंट 14.2 एम्पियर है। अगर उससे ज़्यादा करंट लिया तो हमारी मोटर ओवरहीटिंग होगी। मोटर की नेम प्लेट में लिखा होगा कि कितने एचपी की मोटर है, कितने किलोवाट की मोटर है। इधर लिखा है 7.5 किलोवाट एंड 10 एचपी। अगर उससे ज़्यादा हमने लोड कनेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, इससे ज़्यादा लोड कनेक्ट कर दिया तो करंट इंक्रीज होगा तो वाइंडिंग हीट होगी तो मोटर भी हीट होगी और मोटर फेल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सेकंड है चेंजिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। हमारी मोटर की नेम प्लेट में लिखी है कि कितने वोल्टेज तक उसको रन कराना चाहिए। इधर लिखा है कि वोल्टेज 415 तक हमारी मोटर को सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा या कम वोल्टेज मिलेगा तब भी हमारी मोटर ओवरहीटिंग होगी। और मोटर के नेम प्लेट में IP55 लिखा है तो उसका क्या मतलब है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और है फेज फेलियर। अगर हमारी मोटर में तीनों फेज है RYB, उसमें से कोई एक फेज फेल हो गया, कट हो गया, तो हमारी मोटर टू फेज पे रन करेगी। अगर ज़्यादा टाइम टू फेज पे रन होगी तो हमारी मोटर ओवरहीटिंग होगी। फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं रहता है। अगर आपने मोटर DC के साथ या पावर प्लांट के साथ या टर्बाइन के साथ कनेक्ट किया होगा तब ये प्रॉब्लम रहता है। थर्ड है लो रजिस्टर ऑफ वाइंडिंग। हम जब भी मोटर इंस्टॉल करते हैं उसके पहले हम उसका सेपरेटली वाइंडिंग टेस्ट करते हैं रेजिस्टेंस का, कि कितना रेजिस्टर है। अगर रेजिस्टेंस हायर होगा तो वाइंडिंग कैपेसिटी हायर होगी। अगर रेजिस्टर लोअर होगा तो लीकेज करंट का प्रॉब्लम रहेगा और हमारी मोटर ओवरहीटिंग होगी। अगर मोटर वाइंडिंग शॉर्ट हो गया, कि तीन वाइंडिंग रहता है RYB, तीनों में से कोई भी दो वाइंडिंग शॉर्ट होगा तब भी हमारी मोटर ओवरहीटिंग रहती है। फोर्थ है बेरिंग। अगर मोटर का बेरिंग लूज रहता है तब रोटर स्टार्टर के साथ टच होगी तब भी हमारी मोटर ओवरहीटिंग होगी। और रोटर जब स्टार्टर के साथ टच होगा तब साउंड भी प्रोड्यूस होगा। तो मोटर में से रोटर का या स्टार्टर का साउंड ऐसा आए तो हमारी मोटर तुरंत बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो ओवरहीटिंग होगी। अगर बेरिंग टाइट होगा तब भी वो रोटेट होने में प्रॉब्लम होगा और प्रॉपरली रोटेट नहीं होगा। में देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन क्या क्या है। फिफ्थ है लो पावर फैक्टर। मोटर की नेम प्लेट में लिखा रहता है कि पावर फैक्टर कितना है, इधर 0.84 लिखा है, तो उससे हम कम पावर फैक्टर पे रन कराएंगे तब हमारी मोटर ओवरहीटिंग होगी। और पावर फैक्टर डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोड वेरिएशन ज्यादा रहता है। अगर हमारी इंडस्ट्री में लोड कम हो गया तब पावर फैक्टर भी कम होगा। और मोटर की नेम प्लेट में ड्यूटी S1 लिखा है तो उसका क्या मतलब है, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक से स्टार्ट स्टॉप। जो हमारी मोटर है वो कंटिन्यू स्टार्ट करोगे कंटिन्यू स्टॉप करोगे तो उसको कूलिंग होने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर वो कूलिंग नहीं होगी तो हमारी मोटर ओवरहीटिंग होगी। 7 है वाइब्रेशन इश्यू। हमने मोटर इंस्टॉल की है वहाँ पे रनिंग कंडीशन में वाइब्रेट तो नहीं हो रही है, वो देखना पड़ेगा। अगर वाइब्रेट हो रही है तब भी हमारी मोटर ओवरहीटिंग होने का चांसेस रहता है। 8 है नॉट कूलिंग। हमारी मोटर के बैक साइड में कूलिंग फैन रहता है, अगर वो क्रैक हो गया तो मोटर को कूलिंग एयर नहीं मिलेगी। अगर कूलिंग एयर नहीं मिलेगी तो हमारी मोटर ओवरहीटिंग होगी। 9 है डस्ट प्रॉब्लम। अगर इंडस्ट्री में डस्ट प्रॉब्लम रहता है तब हमारी मोटर वहाँ पे रनिंग कर रही है तो वो डस्ट है वो मोटर की बॉडी पे जाके लगेगी। अगर बॉडी पे डस्ट ज़्यादा हो गई तो कूलिंग एयर पासिंग नहीं होगी। अगर कूलिंग एयर पासिंग नहीं होगी तो हमारी मोटर ओवरहीटिंग होगी। 10 है अम्बाइन टेम्परेचर। मोटर की नेम प्लेट में लिखा रहता है कि कितने टेम्परेचर रहना चाहिए जहाँ पे हमने मोटर इंस्टॉल की है। इधर लिखा है कि 50 डिग्री
टेम्परेचर लिखा है तो 50 डिग्री से हम ज्यादा रूम का टेम्परेचर है वहां पे हम इंस्टॉल करते हैं मोटर, तब भी हमारी मोटर ओवरहीटिंग होती है। हम देख लेते हैं कि इन सबका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट है ओवरलोड। अगर हमारी मोटर ऑयल पंप या वाटर पंप के साथ कनेक्ट है और ओवरलोड हो रही है तब हम उसका वाल कंट्रोल करके हम लोड को डिक्रीज कर सकते हैं, जिसके लिए हम ओवरहीटिंग नहीं होगी हमारी मोटर। और है फेज फेलियर। अगर मोटर हमारा फेज फेलियर, कोई एक फेज फेलियर हो गया और हमारी मोटर है जो टू फेज में रन करेगी तब हमारी मोटर ओवरहीटिंग होगी, तो इसके लिए हम फेज फेलियर कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे, जिसके क्या होगा कि कोई भी एक फेज कट होगा या फेल होगा तो हमारी मोटर तुरंत बंद हो जाएगी। थर्ड है लो रजिस्टर ऑफ वाइंडिंग। हम जब भी मोटर इंस्टॉल करें उसके पहले हम वाइंडिंग रजिस्टर को टेस्ट करना चाहिए, जो मल्टीमीटर या मेगर से आप कर सकते हैं। अगर रजिस्टर हायर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लो होगा तो उस मोटर को हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। और है मोटर वाइंडिंग शॉर्ट। मोटर वाइंडिंग शॉर्ट कब होगी? जब हमारी मोटर ओवरलोड होगी, ओवरहीटिंग होगी, तब हमारी मोटर का वाइंडिंग शॉर्ट होगा। अगर आप कोई नई मोटर परचेज करते हो तब कोई कंपनी वाला आपको वारंटी या गारंटी देते हैं, तो उसके लिए उसने कुछ प्रोटेक्शन रखा होगा कि उसकी मोटर डैमेज ना हो। इसके लिए उसने हीटिंग ऑटो कट रखा होगा जो हमारी वाइंडिंग को ओवरहीटिंग से प्रोटेक्ट करती है। अगर हमारी मोटर ओवरहीटिंग हो गई तो वाइंडिंग डैमेज होने से पहले हीटिंग ऑटो कट डैमेज हो जाएगा। फोर्थ है बेरिंग। अगर हमारी मोटर का बेरिंग टाइट है जो रोटेट होने में प्रॉब्लम है और ड्राई रन कर रहा है तो हम वहाँ पे ग्रीस या ऑयल का यूज करके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, जिसके लिए हम हमारी मोटर ओवरहीटिंग नहीं होगी। फिफ्थ है लो पावर फैक्टर। अगर हमारा पावर फैक्टर लो है, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कैपेसिटर बैंक क्या है, क्या एडवांटेज है कैपेसिटर बैंक का, डिसएडवांटेज कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं, इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। सिक्स है स्टार्ट स्टॉप। जब हम मोटर बार बार चालू बंद करेंगे तो हमारी मोटर ओवरहीटिंग होगी, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमको बार बार चालू बंद नहीं करना चाहिए, उसके बीच में थोड़ा कूलिंग के लिए मोटर को टाइम मिलना चाहिए। सेवन है वाइब्रेशन इश्यू। हमने जहाँ पे मोटर इंस्टॉल की है वहाँ पे चेक करने का रहता है कि रनिंग कंडीशन में मोटर वाइब्रेट तो नहीं हो रही है। एट है नॉट कूलिंग। अगर हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में है और जो मोटर की बैक साइड में जो फैन लगा है वो क्रैक होगा तब हमारी मोटर कूलिंग नहीं होगी और ओवरहीटिंग होगी, तो इसके लिए हमको या 10 दिन या 15 दिन में हम मोटर को मेंटेनेंस करना चाहिए। मोटर का मेंटेनेंस करने के टाइम हमको क्या क्या चेक करने का रहता है वो इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 9 है डस्ट प्रॉब्लम। अगर हमारा मोटर का मेंटेनेंस प्रॉपर होगा तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 है अम्बाइन टेम्परेचर। मोटर की नेम प्लेट में जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर में हम मोटर को इंस्टॉल करना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर में इंस्टॉल किया तब हमारी मोटर ओवरहीटिंग रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को टच करिए क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल अड्डा।